जनपद बरेली के नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र के क्योलरिया में समाजवादियों ने की विशाल किसान हुंकार रैली, सरकार पर जमकर साधा निशाना। संवाददाता विकास गंगवार की रिपोर्ट। जिस तरह से लोग इकट्ठे रहे थे और सुबह से ही भूखे प्यासे यहाँ पे रहे, आपकी मोहब्बत सही है। इसमें दो बातें हैं, एक तरफ तो निराली जो मैंने लोग सारे साथियों का जो मैं सम्मान करता हूँ उससे भी प्रेम है, और दूसरे समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव के प्रति भी उनके कामों को देखते हुए, उनकी सेवाओं को देखते हुए लोगों में उनके प्रति रुचि है और चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आए, इसलिए ये भीड़ रही। 2000 में किस तरह की पार्टी की रणनीति है, किस तरह चुनाव काम कर लेने भी 2000 में 22 में रणनीति क्या, वो तो सरकार बनेगी हर हाल में। आपने भीड़ देख के अंदाज लगा सकते हैं कि नवाबगंज के लोग जब हमारे साथ में यहाँ हैं तो दूसरे क्षेत्र में, जैसे सुल्तान बेग साहब की, उनकी भी बहुत बड़ी रैली थी अभी, उन्होंने 17 तारीख को की थी, मैं गया था। नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में आप किससे टक्कर मांगे? ऐसा ये विषय अभी तो कोई प्रत्याशी नहीं है मेरे अलावा, मेरे अलावा अभी किसी दल का कोई प्रत्याशी नहीं है, और जब प्रत्याशी बनेगा वैसे ये संघर्ष भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ही होगा, जिसे टिकट मिलेगा वो सीसी लड़ाई होगी। आगे एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज भीड़ इकट्ठा हुई है और कुछ भीड़ रोड पर भी है जो पंडाल की कम होने की वजह से नहीं आ पाई है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बरसात थी, वैसे तो एक बड़े प्लाट में कहना चाहिए हमने रैली का आयोजन स्थल रखा था, लेकिन बरसात की वजह से वहाँ पानी इस समय तो मजबूरन यही करनी पड़ी। अच्छा, यहाँ एक नेता और पहले कर भी चुके हैं तो लोग बोले उनसे कम भीड़ रही तो हमने की भाई ये तो ऊपर वाला जाने कम होगी ज़्यादा होगी, और आपकी मेहनत हो आपका प्रेम तो मेहनत भी हमारे साथियों ने की, पैगाम पहुँचाने तक सकते, और लोगों का प्रेम भी हमसे ज़्यादा है, इसलिए हमारे आयोजन में उस आयोजन के मुकाबले कम से कम 10 गुना ज्यादा भीड़ थी। मंत्री जी, जानना चाहेंगे जिस तरह से इलाज को लेकर अभी कुछ नेताओं ने जो बात कही थी, और आयुष्मान योजना भी चल रही है तो सरकार का दावा है उसमें रविंदर प्रधान जी की तरफ से व्यक्तिगत रूप से दिया गया, रविंदर प्रधान जी की तरफ। अरे जी को